हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग अमन फातिमा। एंड मैं चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए थैंक यू। और थैंक यू फॉर द कमेंट जिसमें आपने मेंशन किया कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जो है कंटेंट चाहिए, तो इसी तरह कमेंट करते रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मेंस्ट्रुअल साइकिल एज प्रेजेंटेड बाय अमन फातिमा, यू ऑल नो माय नेम। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा नॉट ओनली फॉर द नर्सिंग और फील्ड ऑफ बायोलॉजी और अदर मेडिकल साइंस, इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑल द फीमेल इंडिविजुअल, बिकॉज एवरीवन शुड नो व्हाट इज द बायोलॉजी ऑफ आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और वी आर गोइंग थ्रू ऑलमोस्ट एवरी मंथ, तो वी शुड नो कि एवरी मंथ हाउ द रिदमिक साइकिल इज कंटिन्यू। सो व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज बायोलॉजी एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन। लाइक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो बाई बर्थ ही हमारी बॉडी में होते हैं, बट जो मेंस्ट्रुएशन या एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी का जो मेन साइन है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की एज में, क्योंकि जब हार्मोन एक पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो रेगुलेट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं। दीज हार्मोन प्रोड्यूस सर्टेन चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस। और ये जो हार्मोन है ओवरी और यूट्रस में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। ह्यूमन आर नियरली यूनिक एमंग स्पीशीज इन हैविंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अदर स्पीशीज ऑफ मैमल हैव अ यूट्रस साइकिल। बेसिक टर्म यूज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, द फर्स्ट टर्म इज द एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम क्या होती थी, द मोस्ट इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की थ्री लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द सबसे आउटर वाली पेरीमेट्रियम। तो सबसे इनर वाली लेयर होती है वो जो होती है वो दैट इज द शेडेड डाउन इन एवरी मंथ इन द फॉर्म ऑफ पीरियड और मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो सबसे जो है इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। वो साइड, ठीक है, वो साइड मीन्स डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव सेल, ओवम मैच्योर एक आफ्टर द माइओसिस जो कि ओवरी में ओवरी से रिलीज होता है, मेनोपॉज। तो जैसे इसका नाम है पॉज, पॉज का मतलब होता है स्टॉप होना या फिर रुक जाना। मेनो मतलब मेंस्ट्रुएशन, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर विच एक प्रोडक्शन इज स्टॉप, ठीक है। तो मेनोपॉज की जैसे प्यूबर्टी जो है एक लैंडमार्क है हमारी रिप्रोडक्टिव एज का, उसी तरह मेनोपॉज भी एक जो है वो एंड स्टेज है, लास्ट स्टेज है, या फिर जो है प्यूबर्टी रिप्रोडक्टिव जो है एज खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड का स्टॉप होना या फिर एक प्रोडक्शन का स्टॉप होना, इसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। अब देखेंगे कि बॉडी में जो है किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ एक होता है जिसको हम ओजेनेसिस बोलते हैं, जेनेसिस का फॉर्मेशन, और वो मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और किस तरह से ओवम से ओवरी से मैच्योर प्राइमरी ओ साइड से सेकेंडरी ओ साइड और मैच्योर ओवम रिलीज होता है। तो ओजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ द ओवम या फिर एक में क्या होता है, प्रीमोर्डियल जर्म से होते हैं जिसको ओगोनियम या डिप्लॉयड बोलते हैं, जो प्राइमरी ओसाइट बनाते हैं, तो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होता है और एक जो है रेस्टिंग स्टेट में चला जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो दूसरे साइड में चलने, उसके बाद में ओट्रॉइड हैप्लॉयड होगी और मैच्योर ओवम रिलीज होगा। तो ये जो है वो फ्लो है ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एग। अब ओवरी में देखेंगे किस तरह से जो है वो फॉर्मेट होता है, ये जो है वो पूरा एक ओवरी है, ठीक है, इसमें जो है ये कार्पस ल्यूटियम हार्मोन को मेंटेन करते हैं, देन प्राइमरी ओसाइट दिस इज द स्मॉल स्मॉल प्राइमरी ओसाइट, फिर बाद में क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, इसमें प्राइमरी फॉलिकल से ये मैच्योर फॉलिकल बनता है और मैच्योर फॉलिकल रप्चर होकर मैच्योर ओवम को रिलीज करता है, जो क्या होती हैं फिम्ब्रियाई जो हैं वो ग्रास करके उसको फैलोपियन ट्यूब में रेडी करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। अब है ये जो चार्ट, ये जो फ्लो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए। तो इसको इसमें देखिए बहुत सारे जो है वो ए बी सी डी हैं। ए बी सी मतलब हमारे क्या नाम उसका ब्रेन में हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो क्या कर रहा है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और यूटिलाइजिंग हार्मोन्स को एडिटेटिव ग्लैंड से रिलीज कर रहा है। अब ये जो है ए पॉइंट हो गया कि किस तरह से जो है वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ब्रेन से हाइपोथैलेमस से। अब बी पॉइंट में ये है कि ब्लड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का क्या लेवल रहता है। तो जैसे कि ये जो 28 डेज का साइकिल है
ठीक है, जो हर ईच मंथ रिपीट होता है। देखिए यहाँ पे डेट लिखी है 4, 14 एंड 20। तो 14 इज द लाइक अ पीक ऑफ द ओवुलेशन टाइम है। यहाँ पे देखिए ओवुलेशन हो रहा है, तो ओवुलेशन टाइम में जो होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सबसे पीक पे होता है। सेम ये जो मैंने ओवरी में ओवुलेशन के बारे में बताया था कि प्राइमरी जो है वो ये प्लस हो गए, ठीक है, उसके बाद में इसका ये डेवलपमेंट होगा। तो इसमें 14 डेज पे जो है जो मैच्योर ओवम ओवरी से रिलीज हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम जो है वो हार्मोन को मेंटेन करती है। देन ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल बिफोर ओवुलेशन, एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हाई है बिफोर लाइक दिस बिफोर ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होना स्टार्ट होता है बॉडी में। अब ओवुलेशन के 14 डेज के बाद जो मेन फर्टाइल पीरियड है, यहाँ पे इसको मेन फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, इस बीच अगर स्पर्म आके ओवम से यूनाइट हो गया तो जाइगोट बनेगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई ही रहेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। बट क्योंकि यहाँ पे आके स्पर्म यूनाइट नहीं हुआ और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होने लगा, और जिसके रिजल्ट में इंडोमेट्रियम जो है वो जो कि रेडी हुई थी प्रेगनेंसी के लिए, इट्स बिकम गोइंग टू बी द शेडेड डाउन इन द फॉर्म ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इस तरह ये साइमल्टेनियसली सारे पार्ट में वर्क करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। किस तरह हाइपोथैलेमस जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है ब्लड में, फॉलिकल FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल किस तरह का पीक पे जाता है। ओवुलेशन 14 डेज पे होता है, 14 डेज के जस्ट बाद जो मोस्ट फर्टाइल पीरियड वेट करता है कि अगर स्पर्म जो है आगे ओवम से मिल गया, फर्टिलाइज हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, जो पीरियड जो वो सिम्टम हो जाएगा एमेनोरिया, सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। बट क्योंकि यहाँ पे स्पर्म आके नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन हो जाएगा और उसके रिजल्ट में मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड के फॉर्म में जो है बाहर आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट जो है इसी तरह से साइकिल कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट है फेसेस, 4 फेसेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो, प्रोलिफरेटिव, ओवुलेशन एंड ल्यूटियल। अब ड्यूरिंग विच डेज ऑफ द साइकिल इज FSH एट इट्स लोएस्ट। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज एट इट्स लोएस्ट ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ द साइकिल। When FSH level are low, what is the size of the follicle? जब इसे FSH low होता है तो follicle का क्या size होता है, तो यहाँ पे देखे हैं ये जो है वो है endometrium और ovarian किस तरह जो है simultaneously जो है develop होंगे, ठीक है। It is the shrinking and disappearing while a new set is growing, ठीक है। तो FSH level low होगा तो follicles भी जो है वो shrink हो जाएंगे और disappear हो जाएंगे जब तक कि नए grow नहीं होंगे, और फिर FSH level again high होने लगेगा। This is the नंबर ऑफ डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेन नंबर है फ्रॉम 1 to 28 डेज, दिस इज द ओवेरियन फॉलिकल। नाउ द मेंस्ट्रुअल फ्लो 1 to 5 डेज, प्रोलिफरेटिव फेज टिल 14 डेज, एंड नेक्स्ट द सेक्रेटरी फेज, इसमें ल्यूटियल फेज भी आता है। ओवुलेशन 14 डेज पे होता है, फॉलिकुलर फेज बिफोर द ओवुलेशन। तो ये सारा टाइम है। What is happening to estrogen during the follicle phase? Follicle phase में estrogen के साथ क्या होता है, it dips then rises. In response, the uterus lining dips then rises. ठीक है, तो क्या होता है, the ovulation day 14, that is a fixed time day 14 जो है वो ovulation day 14 is the cycle usually mark and the event called ovulation. Follicle rupture open and release the ripened egg. पिट्यूटरी हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग एंड FSH आर पीकिंग, एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल्स। लेंथ एंड टाइमिंग ऑफ द साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 20 to 36 to 40 डेज, एवरेज इज अबाउट 28 डेज। मेंस्ट्रुएशन बिगिन ऑन डे 1 एंड कंटिन्यू अंटिल अबाउट डे 4 or 5। फॉलिकल फेज एक्सटेंडेड फ्रॉम अबाउट डे 5 to about day 13. Ovulation occur on the day 14. Luteal phase extend from the day 15 to the end of the cycle day 28. So, इसमें जो particular 28 days का cycle है
जो हमने जो है पे मीडियन लेके चले 28 डेज, उसमें क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकल फेज, ओवुलेशन एंड ल्यूटियल फेज। तो मेंस्ट्रुअल जो है 4 to 5 डेज, फॉलिकुलर 5 to 13 डेज में होगा, ओवुलेशन डे ऑफ 14 जो कि मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है आफ्टर ओवुलेशन, और उसी के बीच अगर हम क्वार्टर्स को अवॉइड करेंगे तो मोस्ट सेफ पीरियड टाइम होगा, ल्यूटियल फेज जो कि 15 to 28 डेज है। 14 डेज जो है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, तब आफ्टर ओवुलेशन जो है थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होता है जो एक साइन होता है ओवुलेशन का। तो वी कैन रियलाइज कि अभी जो है बॉडी में ओवुलेशन हुआ है, एंड विद द टाइम ऑफ द क्वाइटस एदर शी वॉन्ट द सेम पीरियड और एदर शी वॉन्ट टू बी गो फॉर द मोस्ट फर्टाइल पीरियड। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इसी तरह से नई टॉपिक के लिए कमेंट्स करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग के स्टूडेंट्स या जो भी उन लोगों को ये टॉपिक अगर रिवाइज हो रहा है तो भी होगी, ताकि पहुँचता जाए, ताकि हम नॉलेज को दूसरे तक शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच।